नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 78,512 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण की चपेट में आकर 971 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ मौतों का कुल आंकड़ा 64,469 हो गया है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 36,21,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,81,000 से अधिक है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था और उनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। पश्चिम बंगाल में रोजाना 3,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार मेट्रो के साथ लोकल ट्रेनों का संचालन भी शुरू करने के पक्ष में है। दो दिन पहले रेलवे बोर्ड को भेजे गए पत्र में गृह सचिव आलापान बैनर्जी ने इसकी मांग उठाई थी। अब मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भी यही बात कही है। इन लोकल ट्रेनों को कोलकाता की जीवन रेखा कहा जाता है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,80,000 से ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 16,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 296 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे राज्य में कुल मृतकों की संख्या 24,000 के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 6,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 67 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 3,423 हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में 6,000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 94 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,62,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,231 हो चुकी है। कर्नाटक में पिछले एक दिन में 8,852 नए मामले सामने आए और 106 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,23,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 5,589 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 88,000 के पार हैं। दिल्ली में एक दिन में 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 22 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे राजधानी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 4,400 से ज्यादा हो चुकी है। तेलंगाना में 1,23,000 से अधिक संक्रमण के मामले हो चुके हैं, लेकिन इनमें से 61% लोगों में कोरोना के लक्षण ही नहीं दिखाई दिए, जबकि 31% में लक्षण मिले हैं, जिसे साफ हो गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं वो कोरोना को अनजाने में ही फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1,558 नए मामले सामने आए और 29 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव मामले 13,592 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या भी 1,374 हो चुकी है। दुनिया भर में 2,51,43,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,45,414 हो चुकी है। फिलहाल 1,65,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,95,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 1,83,000 से अधिक हो चुकी है। ब्राजील में भी 38,62,000 पॉजिटिव केस हो चुके हैं और मृतकों की संख्या भी 1,20,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।